To make a perfect time, to make a perfect time, what we need? First, to make a perfect time, and time should be what? Time should be organized. Should be? Okay, the first one is organize. Okay, time should be organized. Second word. Okay, fine. Replan. That should be replan. Can you make that plan? It's possible? Yes. It's possible or not? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Okay. Planning. Okay, fine. We got it. The third point is what? For time, in other times, you need to know about the priorities. हमारे जिंदगी में क्या सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमें जाना पड़ेगा फ्यूचर की बात नहीं करता प्रेजेंट में अभी हो ना अभी तुम्हारे लिए क्या जरूरी है दैट इज प्रायोरिटीज अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है टाइम के बारे में तभी पड़ता कहाँ जाएगा अगर तुम्हें नहीं पता कि प्रायोरिटीज क्या है मेरी मैं दूसरे को से पूछता हूँ तुम्हारी प्रैक्टिस क्या है लाइफ में वो कैसे पूछ जाते हैं वो एक साथ मुझे तीन चार चीजें बताना शुरू कर देते हैं ये भी है ये भी इम्पोर्टेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है नहीं अगर आप एक चीज नहीं बता पा रहे हो या फिर अपने प्रैक्टिस को रैंक नहीं कर पा रहे हो लाइक वाइज इसका मतलब क्या कंफ्यूज हो लाइफ में आप नहीं पता कि आप करना क्या है ऐसे लोगों से पूछो ना कि तुम्हारा गोल क्या है पता नहीं देखिए क्या है ठीक है then the last thing is what what do we need to do no anyone what another thing is there time to say use फ्लो के साथ पहने लोग लेकिन फ्लो कैसा होना चाहिए जो तुम क्रिएट करो वो फ्लो क्या फर्क है ध्यान देना एक फ्लो जो है एक धार है वो एक आपका एनवायरमेंट जो आपके सराउंडिंग जो लोग रहते हैं वो क्रिएट करते हैं ठीक है और एक फ्लो जो आप क्रिएट करते हो एक तो आपने क्रिएट किया और एक जो है पब्लिक ने क्रिएट किया आपके पब्लिक में सब भाई आ सकते हैं आपके पेरेंट्स आ सकते हैं रिलेटिव्स आ सकते हैं आपके सराउंडिंग आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किसकी फ्लो में रहना है ओके तो फ्लो जो होना चाहिए वो हमेशा खुद का होना चाहिए वो कैसे आएगा फ्लो कैसे आएगा फ्लो कैसे आएगा हार्ड वर्किंग ओके थिंकिंग ओके फाइन थिंकिंग एंड राइट टाइम राइट डिसीजन वेरी गुड राइट टाइम राइट डिसीजन ओके एनीथिंग एल्स फ्लो कैसे हम क्रिएट करेंगे अपने अंदर प्रैक्टिस यस Yes. Ignorance. Okay. I got you. Anything else? Try anything else? Okay. Practice and ignorance. क्योंकि जो भी आपने बताया वो सारा गलत है. क्या होना चाहिए
The first thing to make a, to create a flow, the first thing important is know yourself. पहले पीछे जाना है कि तुम क्या हो, तुम्हारी जरूरतें क्या है, जिनके पता लग गया कि तुम क्या हो और तुम्हारी जरूरतें क्या है और तुम्हें क्या करना है, अगर आप क्लियर हो अपने विजन को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, तभी आप वो फ्लो क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा ये फ्लो क्रिएट नहीं हो पाता। एनीवेज हमने अपने आप को जान लिया है, उसके बाद कर रहे वर्क ऑन इट, वर्क ऑन इट, उस पर काम करें, सिर्फ सपने ना देखें, ठीक है, उन्हें पूरा भी करना होता है, ठीक है। टाइम बहुत कम, जैसे मैंने पहले बताया वेरी लेस टाइम, कुछ बच्चे यहाँ पे 22 के हो गए, 25 के हो गए, 24 के हो गए, टाइम बहुत कम, ऐसे 5 साल मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट चीजें होती क्या है, जैसे मैनेजमेंट, द फर्स्ट थिंग इन मैनेजमेंट, अगर मैं ऐसा कहूं, ओके वैशाली, अगर मैं तुमसे ऐसा कुछ पूछूं कि वैशाली तुम्हें कुछ करना है तुम्हारे बिलीव में और तुम्हारे पास टाइम ही लिमिटेड है, सबके पास अपना टाइम लिमिटेड है, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है, तो पहला चीज तुम्हारे लाइफ में क्या होगा, मैं कहता हूं तो पहला क्या होगा, जिंदगी कुछ करना है तो पहले क्या करना है, फोकस ऑन गोल, यस यस, फर्स्ट इज सेट गोल, मैंने पहले ही बताया अगर फुटबॉल का मैच चल रहा है और तुम तक की गोल को सुना और ये बता दो मैं तो उस मैच का क्या मतलब रहेंगे, मतलब है उधर उधर मार रहा है, उधर मार रहा है, गोल बहुत जरूरी है, ठीक है ना, गोल से होता क्या है कि आप क्या, आप क्या बुलाते हो, फोकस, इसलिए इंपॉर्टेंट है, टारगेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जैसे मैंने पहले पूछा था कि गोल छोटा अच्छा है बड़ा, छोटे गोल अच्छे होते हैं या बड़े गोल अच्छे होते हैं, रीजन बताओ अभिषेक, set the goal. What will be the second one? I'm just going to step by step. First, set the goal. Okay? Goal kaise fix karoge? Kis 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 se? अरे फिर बता दो पहले, जब भी गोल सेट करते हो अपनी फैमिली से किसी से क्या करो, छोटे गोल बनाए करो, जैसे आप अभी किस पोजीशन पे हो, नहीं पता और मैं क्या करना चाह रहा, ठीक है, आप क्या कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में, मुझे बोले आते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि लेकिन तुम्हें पता है कि मैं क्या करना है, ठीक है, तो करना है यहाँ पे कि आपको सबसे पहले ये जानना है कि मेरी प्रायोरिटी से गई क्या, अभी आपका है कि मुझे जॉब चाहिए, लेकिन मैं मुझे इंग्लिश सीखना है,
ये आपको यहाँ भी प्राप्त किया, ठीक है? तो ये शॉर्ट टर्म में आ रहा है, डाउन तो बना बड़े बोल में छोटे 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 तो आपने गोल सेट किया जो कि एक मान सकते हैं आप तो इंग्लिश है वो गोल, ठीक है? गोल छोटा है, ठीक है ना? तो आपने इसके लिए टाइम क्या दिया अपने आपको? 3 महीने का समय दिया साहब इंग्लिश के लिए, लाइफ और किसी एक का टाइम किसी के पास नहीं है, ठीक है ना? तो आपने इंग्लिश के ऊपर 3 महीने दे दिए, उसमें से भी अगर आप ये 3 महीने यूज कर रहे हो बात कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? राइट, सोब्रायटी इज जरूर के अपना आज हो सकता है कि तुम्हारा एक प्रोफेशन में हमको कुछ सीखना है, जैसे कि कुछ लोग का होता है कि नहीं है या पेंटिंग सीखनी है या सिंगिंग सीखनी है, ठीक है? गोल सेट सब कुछ कर सकते हो यार, गोल सेट करो जल्दी करो, अब से गोल सेट करके ना सुबह ऐसा कुछ भाई काम करो ऐसा कुछ करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना है, ठीक है? ये हो गया टाइम ध्यान से सारे पॉइंट ध्यान से याद रखिए, सेट द गोल, आपकी प्रायोरिटीज सेट अ टाइम लिमिट बहुत जरूरी है, अगर आप टाइम को लिमिट नहीं करोगे तो टाइम को लिमिट नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना? आपको लिमिट करना है अपने लिए अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश के लिए आपने 3 मंथ दिया तो आपने टाइम लिमिट कर दिया, ऐसे आप ज्यादा नहीं दे सकते उसको, अगर आप सिर्फ ज्यादा खींच रहे हो तो आप कहने के लिए 10 मिनट जा रहे हो, समझ रहे हो? बस सेट अ टाइम लिमिट। नेक्स्ट What? अच्छा जब भी आप कुछ को कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो उसके लिए चिंता करना जरूरी है, गुरु दास कर रहे हो इसी लिए चिंता करना जरूरी है, ये सुन रहे हो आपके एनर्जी को डिपेंड करता है, कंटिन्यू करना चाहिए, करना चाहिए The next point is take a break between task. Why? क्या क्या करो? मैंने ये break लेने के क्यों बोला? Why? हम कोई भी चीज बड़ा काम करें उसके लिए ब्रेक मिले, क्या समझते हैं उसके फर्स्ट थिंग एनालाइज। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं जिंदगी में, जब हम उससे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, समय ब्रेक ले रहा हूँ, लंबा ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है? तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ चीजों को समझने के लिए, क्या होता है जब आप बहुत बिजी होते हो ना, चीजें यहाँ तो वहां पर जाती है, आप हर चीज को आप अपनी जिंदगी में हर चीज को संभालना मुश्किल है, ठीक है? एक ब्रेक जरूरी है कि आप चीजों को एनालाइज करना कि अभी मैं किस पोजीशन में हूँ और अब मुझे आगे क्या करना है, बहुत क्लियर हो जाओगे, ठीक है ना? और अगर आप मतलब ब्रेक लिए हो तो चीजें घट जाएंगे, पॉसिबिलिटी ये है कि आप एक चीज अचीव कर लो, लेकिन उसके बाद आप कहीं से खो लो, समझ रहे हो? इसलिए बहुत जरूरी है कि ब्रेक लो और उस चीज को एनालाइज करो। सेकेंडली पॉइंट, मैं ब्रेक और किस से लूंगा? उस क्लास से, उस क्लास से, जैसा कि अभिषेक तो पहले भी कहा था टू गेट आर एनर्जी, राइट? तो अपने आप क्या करना है, रिचार्ज, अपने आप को रिचार्ज करेंगे, फिर से चार्ज करेंगे नई एनर्जी के साथ, नए बूस्ट के साथ, और फिर से पूरा फोकस चीज पे करेंगे, ठीक है? ये जरूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हमने ब्रेक भी ले लिया, उसके बाद क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइज योर सेल्फ।
जब मैं ये कहता हूँ कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? मैंने कहा कि ठीक है तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, मतलब क्या? ऑर्गेनाइज मींस व्हाट? वेल ऑर्गेनाइज मींस व्हाट? अपने आप क्या करना? ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज मींस व्हाट? मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर। कुछ लोग होते हैं कि फिजिकली तो बहुत ज्यादा है यार, हिम्मत है बहुत जान है भाई, हम तो ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और मेंटली भी जब वो सिचुएशन सामने आता है ये चले जाते हैं, कहते हैं अपने बस की नहीं है, अब तो हम तो भाई बस बस निर्णय ले भाई, हम कर रहे सकते हैं। जब तक आप दोनों तरीके से तैयार नहीं हो कोई भी चीज नहीं हो सकता आपसे। आप अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो और फिजिकली यहाँ पे आके चले तो बैठ गए चले जा रहे होते कुछ नहीं होने वाला, वैसे ही होता है। आपको मेंटली भी प्रेजेंट रहना पड़ेगा ताकि कुछ होगा, ठीक है ना? तो यही होता है कि अपना ऑर्गेनाइज करना है। कई चीजें कुछ लोग क्या होते हैं, जिंदगी बहुत खराब है साहब, जिंदगी में यार प्रॉब्लम का चल रहे हैं तो मैं क्या करने लगे पड़ गई जिंदगी में, ठीक है ना? और सीन ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को रिबूट करते हैं, सिस्टम फेल होता है कंप्यूटर का रिबूटिंग होती है, उसके अंदर इंसान ने अपने को रिबूट फिर से सिर्फ उसी कुछ टेक्निक्स है बताओ कि कैसे अपने आप को रिबूट करते हैं, ठीक है? लाइफ क्या अपने आप को से नया कैसे बनाना है, ठीक है ना? ये समझ रहे हैं। नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अलावा? रिमूव योर, हमने क्या करना है? रिमूव करना है क्या? नॉन एसेंशियल, एसेंशियल थिंग्स हमारे जिंदगी में जो नॉन एसेंशियल जो इंपॉर्टेंट नहीं है वहां फालतू में किए जा रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं आपको बेटर पता होगा जो आप लाइफ में आप अभी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कुछ छीन होने वाला उससे, ना किसी को बेनिफिट हो रहा है ना किसी को लॉस हो रहा है, आप वो चीज फिर भी कर रहे हो, छोड़ दो, अब भी छोड़ दो, लेकिन वो आपको पाए वो तो फिर बर्बाद कर रहेगा। तो जो चीजें हमारी लाइफ में जरूरी नहीं है उनको डिलीट करो, फॉर्मेट मारो लाइफ से, क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ को उलझन में डाल रही है, कंफ्यूज कर रही है आपको, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? लाइफ जितना क्लियर होगा उतना साफ होगा, हमारी हर चीज उतना ही जो हमारे सक्सेस के रेट होते हैं उतनी हाई होगी, ठीक है? ओके, और लास्ट पॉइंट में प्लान है। जो भी आप सोचते हो, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे यहाँ पे इंडिया में 97% लोग फेल है, दे आर फेलियर्स, और सिर्फ 3% लोग हैं इंडिया में जो कि सक्सेस है, सक्सेसफुल है, कारण है। तो ये 3% लोग क्या करते हैं ऐसा? मैंने बताया था ये 3% जो लोग हैं ऐसा क्या करते हैं कि 97% लोग को फेल कर देते हैं? वो फर्क नहीं पड़ता कि किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, वो बस किए जा रहे हैं, दैट इज फेसिंग लिमिट नहीं है उनका, ठीक है? और यस वो अपने 24 आवर्स को यूज कैसे कर रहे हैं, दैट इज दैट। तुम अपने 24 आवर्स को कैसे यूज करते हो? मैं भी ऐसा ही था, अब नहीं, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है यार, बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना जब भी हो सके टाइम मिले ना, देखिए ऊपर क्या बात हुई ना, ये कुछ ही होने वाला, बहुत जरूरी है। ओके नेक्स्ट, ये समझ आ गया? ठीक, नेक्स्ट ओके गाइस, मैं टाइम इस पर कुछ चीजें और बता दूं क्योंकि बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट में सबसे जरूरी है कि आपको, अब बता रहा हूं कि क्या करना है, आपको कैसे मैनेज करना है, ठीक है?
द फर्स्ट थिंग आपको ये बताना चाहिए कि आपके आपका आपको वर्किंग आवर्स कितने रखने हैं। 24 घंटा है ना, उसमें से आपको वर्किंग आवर्स कितने रखने हैं ये आपको डिसाइड करना है अभी। ठीक है, वर्किंग आवर्स आपके कितने होने चाहिए जिसमें आप काम करो। ठीक है, कुछ लोग होते हैं मैंने सुना है दिन में भी सोते हैं, आते हैं दिन में कुछ सो सकता है थक जाते हो तुम लोग यार, सोने के लिए रात बना है ना, टाइम से सोया करो, टाइम से उठा करो। वर्किंग आवर में सबसे मेन चीज है कि आपके टास्क और आपके प्रोजेक्ट्स, आपके टास्क एंड प्रोजेक्ट्स। आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप किसी बिजनेस साइड में हो, फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप किसी कार्य कर रहे हो उसका भी फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए सेम रूल है। हर इंसान के लिए अपना एक टास्क होना चाहिए, अपना एक एक उसके लिए आपके पास आपको ये समझ होना चाहिए कि मेरे पास टाइम कितना मिला वो है और आपके उस टाइम पीरियड में क्या चीज कर रहे हैं। ठीक है, टास्क एंड प्रोजेक्ट। ओके, सेकेंड थिंग की बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में सबसे चीज क्या आती है। अच्छा, दूसरी चीज हमें क्या और करना है मैनेज। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ हमारा लाइफ नहीं आता, हमारा वर्क नहीं आता, उसके अलावा भी चीज आती है। वो आता है इसको कैसे मैनेज करें। अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं इसका मतलब क्या, प्रॉब्लम मतलब प्रेशर, राइट? प्रॉब्लम मींस वर्क और फ्रस्ट्रेशन काम जो बनता भी है वो भी बिगड़ जाएगा। दूसरी चीज फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन क्या करेगा, कभी कभी होता है कि आप करना बहुत कुछ चाहते हो, बता सकते नहीं है। ठीक है, एग्जाम बहुत करते हो, सपने बहुत देखते हो, होता कुछ नहीं है। ठीक है, प्लान कर लिया कि अरे यार ये बस कुछ नहीं, मैं दो तीन बाद ये स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, बस कल से किताब चालू, एक एक चैप्टर रोज, एक महीने पढ़े हुए हैं 30 चैप्टर का, होता क्या लास्ट में वही होता है जैसे बच्चों सबके साथ होता है, आखिरी रात के तीन बजे बैठे हुए थोड़ी किताब कि मैं क्या पढ़ूं, ऐसा है कि मैं पास होता हूँ, पास होने की किताबें पढ़ जाते हैं, इसी से पहले आपने शुरू किया था, ये फैक्ट है, हम ऐसे ही हैं। ठीक है, और फिर कोशिश करता है वो एक फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, आपको गुस्सा आता है अपने ऊपर। ठीक है, और जब आप एग्जाम कर लेते हो, मतलब आपका एग्जाम हो गया चाहे अच्छा हो या बुरा हुआ, उसके बाद सोचते बस अगले एग्जाम से, अगले एग्जाम से तो मैं फाड़ दूंगा यार, अपना ही अपना राज होगा। ठीक है ना, और फिर वही चीज होता है अगेन, आप वही चीज रिपीट करते हो, ह्यूमन नेचर है, इसलिए 97% लोग फेल हो जाते हैं, हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते, जो चल रहा है चलने दो। ठीक है ना, अगर गलती होती है तो उसको सुधारने की तो हमने आज तक कभी कोशिश की ही नहीं। ठीक है ना, यस। और उसका सॉल्यूशन क्या है, पहले चीज क्या चाहिए, अपने आप को क्या करेंगे, डेली लॉग्स बनाएंगे, डेली लॉग्स बनाएंगे, मतलब आपको कल का इंतजार नहीं करना, कल क्या होता है प्लान करूंगा, आपको आज के बारे में सोचना है,
एक सक्सेसफुल स्टार्ट किया है जो आज के बारे में सोचता है और उसे पता भी नहीं कर क्या बारे में वो सिर्फ आज मुझे क्या है आज क्या करना है आपके और वो अपने 24 घंटे मुझे मतलब वो अपने 24 घंटे को उस तरीके से जीता है ना कि वो 24 घंटे उसके लिए पता नहीं शायद एक मंदिर बन जाते हैं कहीं क्या होता है एक घंटे को एक दिन देने का ठीक है ना हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करो कुछ हटके करने की कोशिश करो कुछ ऐसा करने की कोशिश करो जो तुम्हारे अंदर एक खूबी और बढ़ा दे ठीक है नेक्स्ट स्केड्यूल योरसेल्फ मैं कोई स्केड्यूल या एग्जाम स्केड्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ स्केड्यूल करना है अपने आप स्केड्यूल करना है शेड्यूल करना है ठीक है शेड्यूल कैसे भाई ये करोगे कैसे करोगे ठीक है मॉर्निंग को और रात को सोने से पहले जैसे मैंने पहले बताया जब आप सुबह उठते हो छह बजे उठते हो आठ बजे उठता है तो आठ बजे उठते हैं और सोने का टाइम किसी का 12 बजे होता है किसी का 1 बजे होता है ठीक है ध्यान रखो ये कहना है कि जब भी आप उठो जब भी आप सोने जाओ आप सेटिस्फाइड अपने आप से अपने डे सेटिस्फाइड ठीक है अगर ये नहीं हो पा रहा है और आपका ऐसा लगे कि अगर आप आज का दिन कल के दिन जैसा ही हो रहा है इसका मतलब आप सही पैक नहीं हो सेटिस्फाइड नहीं हो नहीं तुम्हारा दिन कभी भी कॉफिटस नहीं होना चाहिए तुम्हारा हर दिन कैसा नहीं होना चाहिए कभी भी नहीं कम से कम एटलीस्ट एक चीज ऐड करो छोटी सी चीज ऐड करो ठीक है स्केड्यूल योरसेल्फ ओके इसमें ना आया नेक्स्ट सिर्फ तुम मुझे बताओगे दो टॉपिक के रॉबर्ट इंपॉर्टेंट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट अब तुम लोग मुझे बताओ इसमें तीन चार कैटेगरी ठीक है तो टेल मी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम में क्या सकती है इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स छोटे छोटे समय के लिए एक आपकी इंपॉर्टेंट है इसे क्या इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है नॉट इंपॉर्टेंट अर्जेंट कह नहीं सकते क्लियर बताओ लव कर दो नॉट इंपॉर्टेंट अर्जेंट है सर्जेंट क्यों अब सवाल यहाँ आता है क्यों यार ऐसा क्यों चीज ऐसी है कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट पे लगे हो टास्क पे लगे हो या फिर एक गोल पे लगे हो तो ये वो छोटी चीजें हैं जो आपके पास आएंगे और आपको हैम्पर करेंगे अफेक्ट करेंगे आपको उसको एज रिस्पॉन्सिबल रिमूव कर रहे हैं लेकिन वो छोटी चीज का बन रही बड़ा छोटा है उसको शुरू में से पहले खत्म करना है अर्जेंट बहुत ही होता है तुरंत सॉल्व करो उसको इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट सेकेंड चीज अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटेजिक गोल है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एक गोल है दैट इज इंपॉर्टेंट अर्जेंट या नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट सोच के बोला मैंने पूछा है अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है स्ट्रेटेजिक गोल है कोई गोल है जो कि लॉन्ग टर्म है दैट इज इंपॉर्टेंट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट 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 है Important. 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 Important.
हमारे हिसाब से काम क्योंकि आपके साथ
हम किसी को ब्लेम क्यों करते हैं, व्हाई? Somewhere of values. Okay. What is it? Why are we blaming others again? Rather than us. Why? Okay. Okay. Yes. Whatever. Anyways, Shivani? आप किसी को ब्लेम क्यों करते हैं? तीन लोगों ने बहुत सा आंसर दिया है, मैं वो तीन लोगों का आंसर यहाँ लिखने वाला हूँ। आनंद तुमने क्या बोला? तुमने क्या बोला था? ओके, बोला सेम। नॉट सेटिस्फाइड। और बहुत ही अच्छा बोला, बहुत ही क्लियर से आप बोला प्रकृति। जहां तक कोशिश हो सके डिपेंडेंट बनना और सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने की कोशिश करना, ठीक है ना? जब आप इस पर डिपेंड होते हैं तो इसको ब्लेम करते हो, ठीक है? यस सर, डिपेंड वाली बात है, जैसे कोई लड़का है या लड़की भी है तो अपने कभी भी जायज बात नहीं करते, कुछ होता है कोई भी होता है, जैसे कि मुझे किसी भी स्टूडेंट से ये रहना है, इस तरह से डिपेंड करता है कि हाँ ये नहीं है कि फाइनेंशियल डिपेंड। यस मैंने जिस जब कभी उसे पहले ट्राई नहीं कर, डिपेंड का मतलब ये नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ मनी की, और मैं चीज में किसी को डिपेंड का मतलब क्या होता है? डिसीजन। मैं सर मनी की बात नहीं करता, हां आप समझने की बात मैं किससे बात करता हूं, देखो मेरे मैं समझ सोचो बताओ क्या कर सकता हूं, बात चल बात है। ए मैं सिर्फ इसको बता रहा हूं, मैं का मतलब ये है कि आप अपने डिसीजंस को आपके जो फैसले होते हैं वो आप खुद करो। सपोर्ट मतलब से होती है, सपोर्ट आपको पैरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे अच्छी बात है, लेकिन फैसला आपका होना चाहिए। सपोर्ट नहीं करते हैं तो मतलब पैर कर मान लीजिए कि आपकी सपोर्ट ना करें, हां वहां पे लोग ब्लेम करते हैं। देखो सुना ऐसा कर सकते हैं जैसे कि आप पेरेंट्स को कभी भी किसी कैटेगरी में डाल सकते, पेरेंट्स को आप किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते, किसी भी कैटेगरी में नहीं, ठीक है? पेरेंट्स वो हैं जो आपके साथ जुड़े हैं, वो आप ही हो, ठीक है? तो पहली बात कि पेरेंट्स के ऊपर तो कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है? उसके अलावा बात करना करो, रिलेटिव आ गया उसके बाद, आपके क्लोज फ्रेंड्स आ गए उसके बाद, वो उनकी बात करो, उस पर डिपेंड करो। पेरेंट्स वो इंसान हैं जो आपको एंड तक आपका सपोर्ट करेंगे, आप कुछ भी गलत काम करते हैं चार नंबर मारेंगे फिर से नहीं सपोर्ट आपको करेंगे, गालियां भी देंगे फिर सपोर्ट आपको ही करेंगे, तो वो है पेरेंट्स, ठीक है? उसके अलावा कोई कुछ नहीं करेगा, जिंदगी भर प्यार ही नहीं होती मैं काम तुम्हारी जा रही है, ठीक है? आपके क्या लगा, ठीक है? तो डिपेंड का मतलब ये था कि आप अपने डिसीजंस खुद बना, अपने फैसले खुद करो जिंदगी के, क्योंकि अब यार बड़े बच्चों को तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना जिंदगी में, एम तुम्हारा है पहले से फिक्स, ठीक है ना? तो डिपेंड किसी पर नहीं होना है, अपने फैसले किसी, जैसे मैंने ट्वेल्थ क्लियर किया था, जब मैं ट्वेल्थ पास की तो मेरे घर पे बड़े बड़े वाले छोड़ गए थे जिन्होंने ऑलरेडी कुछ झंडे गाड़ी अपनी जिंदगी में बस चलता था, ठीक है ना? और घर के आने में सलाह देते थे बस ट्वेल्थ क्लियर किया ना ये कर ले, इसमें पैसा बहुत है, फैसले खुद होने चाहिए, उसके लिए एक्टिविटी उसके लिए फोर्स आपका खुद का होना चाहिए, आप किसी कैरेक्टर उधार मत लेना, फर्क नहीं पड़ता यार,
पूरे हो जाए दौड़ देगी आपने किसी की आप आज चल रहे ठीक से यार तो अपने दिमाग अपना दिमाग से सर मेंटली स्ट्रांग है फिजिकली स्ट्रांग है तो अपने को किसी की जरूरत काई को है अरे यार नहीं है ना नहीं होनी चाहिए जब तक किसी पे हाथ होते हो ना सबसे बुरा टाइम चल रहा होगा सबसे बुरा टाइम जब आप किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो उसमें तो बड़ी बिजी भी होता है कहीं ना कहीं उसमें तो दादा होता है कुछ समझदार होते हैं कुछ बेवकूफ होते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता कह रहा है भाई अगला बेवकूफ वही सोचेगा कि अगला बेवकूफ बस अपना ही चल रहा है अपना सत्ता चल रहा है मैं बेवकूफ क्यों है समझा रहा है तो कभी किसी पर डिपेंड करो लाइफ यस फैमिली के लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब कर ऐसे ही मतलब ये बहुत ही मेक अच्छा फैमिली के लोग ये बोल रहे हैं कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करना है यस अपने इंटरेस्ट पे काम करना चाहता है लेकिन फैमिली सपोर्ट लिसन गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने पहले भी बात किया हुआ है लेकिन समझ लेगा जैसे पेरेंट्स कुछ चाहते हैं कि आप एक गवर्नमेंट जॉब करो आपके पेरेंट्स कुछ चाहते हैं कि आप एक गवर्नमेंट जॉब करो फर्स्ट क्योंकि आप एक स्टेट के साथ एक आप लाइफ सिक्योर हो दूसरी अपने सेम टाइम जब आप बीमार पड़ते हो उस समय आपका दिमाग ये कहता है कि बस इस बार ठीक हो जाओ इस बार ठीक हो जाओ कुछ अलग करके दिखाऊंगा ठीक है तो एक बीमार दिमाग से कितना ही सोच सकता है तो अपने आप को बीमार मत समझो बीमार आदमी बहुत उल्टा सोचता है बहुत निगेटिव सोचता है ठीक है ना उसको लगता है कि बस अब जिंदगी गई भाई बाय बाय
ठीक है. द फर्स्ट इज हेल्प ऑलवेज रिमेंबर. सेकंड इज वन सेकंड पॉइंट थिंग ऑलवेज बी आई हैप्पी कब तक ये कह रहा हूं प्लास्टिक स्माइल बना के घूमते रहो अंदर से खुश रहो सेटिस्फाई रहो जो भी करते हो अच्छा करते हो बुरा करते हो सेटिस्फाई रहो क्योंकि वो तुमने किया है. किसी को ब्लेम नहीं करना गलती की तुमने की मानो इसको अच्छा हुआ तुम्हारे वजह से हुआ ये भी मानो ठीक है. बी हैप्पी. सेकंड ओके थर्ड लाइफ में एक चीज बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग टीम वर्क कर रहे हैं. व्हाट नॉवेल्स पढ़ा करो कहानियां पढ़ा करो कुछ ना कुछ पढ़ा करो. बोरिंग है जानता हूं लिखने से बेनिफिट बहुत ज्यादा है. पढ़ने से होता क्या है पढ़ने नहीं पड़ता. अगर आप एक केमिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं और आप एक आर्ट सेक्शन से हो और आप एक केमिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो तो क्या नॉलेज बढ़ाता है. लिसन नॉलेज गेन करना इज अ डिफरेंट थिंग. मैंने यहां इस कॉन्टेक्स्ट में बोला है जब आप पढ़ते हो कोई चीज तो क्या होता है आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होता है. कॉन्शियस माइंड जो आपका वो एक्टिव हो जाता है. आप जाके किसी से पूछ लेना जितने भी सक्सेस लोग हैं वो हमेशा नॉवेल्स पढ़ते हैं उनको पढ़ने की आदत होती है. उनके पास सब कुछ है फोन है यूट्यूब है सब कुछ है नहीं देखते पढ़ते हैं वो किताब पढ़ते हैं. आज के जमाने में ये आदत डाल लो पढ़ने की ठीक है ना. ये जिंदगी मतलब सही भाई ठीक है. नेक्स्ट वन क्या होना चाहिए नेक्स्ट बिल व्हाट फेथ बिल फेथ किस पे आपको भरोसा बनाना है किस पे अपने आप बिलीव करो कि अभिषेक कर सकता है आनंद कर सकता है आशुतोष कर सकता है शर्वानी कर सकती है ठीक है ना. जब तक ये फेथ नहीं बनेगा अपने आप भरोसा नहीं करोगे यार तो तुम पे और कोई भरोसा क्यों करे. अगर तुम एक कंपनी के मालिक हो और अगर तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं तो तुम्हारा जो तुम्हारा कोई एम्प्लॉय है वो तुम्हें क्यों करेगा भरोसा. तो पहले अपने आप में कॉन्फिडेंट हो तो ही लोग तुम्हें सुनेंगे. अगर तुम स्टेज पे आ रहे हो बताना चाहते हो किसी को और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हें बताना क्या है और तुम किसी के कॉन्फिडेंस नहीं हो तो अगला हर बात नहीं सुनेगा. तो पहले अपने ऊपर काम करना है तुम्हें अपने आप सुनेंगे ठीक है. नेक्स्ट मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि वरी नहीं होना है. मैंने कहा है वरी लेस मतलब वरी होना है लेकिन कम होना है ठीक है ना. क्योंकि अगर आप टेंशन नहीं लोगे लाइफ में तो भी प्रॉब्लम है लेकिन ज्यादा नहीं लेना नहीं तो फ्रस्ट्रेशन और डिस्ट्रेस कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है ना. वरी लेस आपको लेस वरी होना है और चीजों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा वरी होना जरूरी है ठीक है ना. एग्जाम आता है थोड़ा सा वरी हुआ करो ज्यादा नहीं नहीं तो उसका असर आप एग्जाम पे पड़ेगा. तो क्या करते हैं बहुत ज्यादा टेंशन रहते हैं एग्जाम टाइम पे क्या होता है हमने बस बताया कि आया बस थोड़ी पर एग्जाम है और लोग क्या इवन वो मतलब बॉस भी जा रहे हैं काम नहीं आ रहे इतना मतलब इस तरह मतलब पागल हो गया ठीक है. तो ऐसा नहीं करना है ये तो हो गया कि भाई आप बिल्कुल नहीं मतलब क्या है एक्सट्रीम पे चले गए आप ठीक है. वरी लेस थोड़ा पढ़ो अच्छा करो. अगर मेरे 10 चैप्टर हैं तो मैं 10 में करूंगा. अगर मेरे पास टाइम कम है मैं 8 करूंगा लेकिन वो 8 कैसे करूंगा तो उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर दूंगा.
अरे वो दो चैप्टर में से क्या है, दो क्वेश्चन तो आएंगे, छोड़ दूंगा, बाकी तो अच्छे होंगे। लास्ट पॉइंट एक और, उसकी सुनना और इग्नोर करना, अपने मतलब तुम्हारी कहने का मतलब है सबकी सुनो अपनी को, ये चीज नहीं लिसन ऐसा है, ये मैं बोला बस ये पॉइंट करने के लिए मैं स्पेल करता हूं, ये कहानी लगता है ऐसा, सबकी सुनो अपनी को, ये सब की कहानी लगता है, सबकी सुनो तुम्हारी काम की बस करो पार्टी पे, क्या पता अपना इंसान आपको सिखा दे। मैंने कई बार अपने जिंदगी में ऐसे ऐसी चीजें सीखी जो मुझे एक बच्चे ने सिखाई, एक छोटे से बच्चे ने सिखाई, छोटे से बच्चे ने सिखाई, तो ये मत सोचो यार कि वो बड़ा है, कई कई बड़े 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 लोग जो है उन्होंने एक ही बिल्कुल बड़ी बातें की कितनी हंसी आगे करने लगते हैं, तो एज मैटर नहीं करता, ठीक है ना, आपको कौन सा इंसान कब जिंदगी में क्या सिखा दे कोई पता नहीं, ठीक है, तो सुनो सबकी, ठीक है, रखो जो तुम्हारे काम के, फिर जो फिर तो है ये कंपनी का इसकी पॉलिसी, ठीक है ना। एनीवेज लास्ट पॉइंट क्या लगता है और क्या मिसिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग इज गुड और बैड, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा करनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग हमें हमेशा करनी चाहिए, हाँ या ना, हाँ यस यस यस, समटाइम इट्स बैड, समटाइम इट्स बैड, दिवा समटाइम इट्स बैड, एक गलती क्या है, अलग से बनी है क्या, बस क्या हो गई, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए, होना चाहिए ना, बी पॉजिटिव ऑलवेज ऑलवेज, आप इसको समझ लो क्या चीज है ऑलवेज का मतलब क्या है, कि प्रॉब्लम तो है लाइफ में, एक्सेप्ट कर लो उसको, वो भी एक पॉजिटिविटी है, अगर आपके अंदर कुछ कमियां हैं एक्सेप्ट कर लो उसको, ये भी एक पॉजिटिविटी है, ठीक है, उसके ऊपर काम करो, दैट्स पॉजिटिविटी, अगर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं फर्स्ट मंथ में सेकंड मंथ में थर्ड मंथ में, बी पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो यही है सक्सेस के मंत्र, ठीक है, ये लाइन फॉलो कर लो, यू विल फाइंड, मुझे कभी नहीं, ठीक है, अब हम लोग कोई अच्छा कोई कुछ पूछना चाहता पूछ लो रिगार्डिंग दिस सक्सेस एंड टाइम मैनेजमेंट, या क्या, हां या सर व्हाट इज यू प्लान, जो करना हम लोग ऑटोमेटिकली वाले एनर्जी का हो जाती है, तो हमें सबसे थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए,
चाहिए वो सब है पर ये होना चाहिए रिजल्ट के बारे में ओरिएंटेड फ्यूचर है बट सर हैव मच बट और दैट बड़ी पूछ रहा हूं आप सवाल के अगर कोई इंसान पर मालूम है अगर मैं बहुत सोचता हूं मैं बहुत चिंता करता हूं तो तुम मुझे क्या सजेस्ट करोगे कि क्या करना चाहिए बहुत सोचता हूं मैं अगर छोटे से अगर एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ होता तो उसको लेकर बहुत सोचता हूं क्या सब लोग उस समय आपको बिल्कुल सब समझाना कि देखो कैसे करोगे कैसे करोगे नहीं यस तो मैंने फिर भी मतलब कम लोग हर एक इंसान को पास से एक व्यक्ति को मिला नहीं देखिए अभी आप भी क्या कह रहे हैं कि आपको छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी लेके ज्यादा मतलब आप हाँ सोच कर लो मैं खुद से ऐसे कर सकता हूँ मैं खुद करना चाहता हूँ मैं कैसे करूँ आपको तो इनोलाइज करना मतलब इग्नोरेंस वाली इग्नोरेंस फर्स्ट है ओके जब हम जब भी आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो ना कुछ बिगेस्ट प्रॉब्लम सारी प्रॉब्लम मतलब बहुत आपको एक्सपेक्ट करते हैं आपसे ठीक है ना तो आपको उनको बचाना है प्रॉब्लम क्या है समझा के एक्सपेक्टेशंस आप सो रहे हैं मेरे एक्सपेक्टेशंस समझ गए हो एक प्रॉब्लम है सो सो आप कैसे करें भाई बता रहा कि आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं सीधे इस बात के साथ मैं इसके लिए कर रहा हूं क्या सच हो गया जा ऐसे मतलब बता रहा हूं मैं आप ऐसे छोड़ दो अचानक कैसे छोड़ दूं कैसे काम कर रहे हो फर्स्ट पॉइंट यस सर एक्सपेक्टेशंस कंप्लीटली सही भी होता है लेकिन हम ट्राई से नहीं कर सकते फर्स्ट थिंग इज इग्नोरेंस सेकंड थिंग डोमिनेंसी अपने गोल को इतना अपने ऊपर हावी कर लो ना एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर आगे ना होता है एक्सपेक्टेशन इतना सा होता है लेकिन जब जैसे जैसे उसका टाइम पास आता है ना वो बड़ा होता है जब वो छोटा होता है ना हमारी एक्सपेक्टेशन कैसे होती है कल तुम्हारा मालूम क्या है मैं किसी एक बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो एक्सपेक्टेशन बड़ा कब हो जाएगा फिर मैं पेपर चेक कर ठीक है तो अगर मैं चाहूँ तो ये स्टेज है जहाँ मैं इसको सप्रेस कर सकता हूँ दबा सकता हूँ ठीक है कैसे मैं उस एक्सपेक्टेशन की जगह कुछ ऐसा पड़ा उसका सामने रहा तो वो छोटा लगे उसका साइज छोटा हो गया ठीक है ना कुछ ऐसे एक बड़ा मैं चीज गोल या फिर लाइफ में कुछ ऐसा एक क्लासिक चेंज कर दूंगा तो उसका फर्क ही ना पड़ेगा ठीक है हमारी कमियां जो है हमें उसको बेवकूफ बना के अपना काम करना है ठीक है सबसे बड़ा दुश्मन हमारा यही है सबसे बड़ा दुश्मन बाद में आते हैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है हमारे से बैठा They got everything. Shivani.
यस यस पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है पहली बात ये बहुत बोरिंग है ठीक है लेकिन क्या होता है ना कि हर दवाई कड़वी होती है इसमें मेरी बात फायदा तो करती है ना अगर आप ये सोच के दवा का खाएं कि कड़वी है ठीक हो पाओगे कम जा सकता है ना हर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई चीज आपको खाना देती है नहीं ये कह रहा हूँ कि एक अच्छी चीज जो किसी ने एक्सपीरियंस की है और उसका कर्म प्रकट किया है अगर आप एक आदमी से पूछोगे कि यार मैं मेरे ना हाथ दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूँ यार हाँ यार मेरे भी दो महीने पहले हाथ में दर्द हुआ था वैसे डॉक्टर के पास गया वापस करेगा उस डॉक्टर का नंबर हमारा उससे बात करते हैं ठीक है ना तो क्या होता है कि लोग एक्सपीरियंस करते हैं चीजों को और आपको बताते हैं ये अच्छा है और ये बुरा है तो ये जो बुक्स पढ़ने वाला सीन है ना ये लोगों का एक्सपीरियंस है वो 3% वाले लोगों का उन्होंने कहा है कि बुक पढ़ना चाहिए क्यों उससे बहुत उसके बहुत सारे फायदे हैं ठीक है पहले चीज आपका फील शार्प होगा और आपका पेशेंस बढ़ेगा जब भी आप बुक पढ़ते हो ना स्पेशली धीरे धीरे बुक जब भी अपनी जिंदगी में पढ़ो धीरे धीरे पढ़ना आराम से जैसे कि एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा पढ़ता बच्चे की तरह पढ़ो और मैंने हमेशा कहा है कि अपने अंदर की बचपन को हाँ कभी भी मत मानना मुझे मैच्योर लोग पसंद नहीं है मुझे मैच्योर लोग पसंद ही नहीं जो बड़े जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं मुझे पसंद ही नहीं आई हेट मुझे बोल पसंद है जो एक बच्चे की तरह बिहेव करते हैं लेकिन एक लिमिट एक दायरे में ठीक है ना तो अपना बचपना कभी मत मानना देखिए यही वो एक चीज है जो आपकी पहचान है जो क्या होता है उसमें पढ़ती रहती है और अपने अंदर की बचपना होता है आपके अंदर वो तब आता है जब आप अकेले होते हो रूम में अकेले हो बचपना आ गया साथ मस्ती चालू किसी को तो कहते आप पढ़ा के सो जाते हैं ठीक है मैं करता फिर करता ठीक है तो बचपने को अपने कभी मत मानने दो और जिंदगी बहुत छोटी है मेरे भाई बड़ी नहीं है ठीक है तो कोशिश करो जिसकी छोटी जिंदगी है इसी के अंदर आपने सक्सेस भी होना है इसी के अंदर आपको अपने अपने आपको सेटिस्फाई करना है ठीक है टाइम बहुत कम है कोशिश करो कि बहुत जल्दी हासिल कर पाओ ठीक है डन ओके नहीं बस फाइन यस 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 जब भी आप से कोई एक्सपेक्टेशन दो चीजें होती है सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमसे कौन करता है ठीक है आपसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपके पेरेंट्स नहीं करते ठीक है और क्या है कि जब भी आप अगर आपसे कोई एक्सपेक्टेशन करता है तो वो आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा है आपने अपने आपसे एक्सपेक्टेशन आपने बना ली कि मुझे वो करना है एक्सपेक्टेशन वो नहीं कर रहे हैं वो मेरी नहीं कर रहे हैं आपने अपने आप को उसके उसके एक्सपेक्टेशन को डबल कर लिया और अपने आपने खुद को समझा लिया कि मुझे ये चीज करना है आप बैलेंस निकाल के आपको डॉक्टर बनना है तो बैलेंस तो बता दिया कि आपको डॉक्टर बनना है लेकिन हुआ क्या आपने खुद से अपने अंदर ही अंदर ये सोचा अब वो एक्सपेक्टेशन बड़ी होगी और सब कुछ को बड़ा इसमें लिया आप अगर पहले से एक्सपेक्टेशन नहीं है तो आपने इसको इतना बड़ा बना तो सबसे ज्यादा बुरा किसको लगेगा अगर आप नहीं करें तो पेरेंट्स को हो सकता है बुरा लगे पर मेरे अगर आप कुछ बात लिया तो शायद उसको क्या ठीक है ना बुरा एक्सपेक्टेशन हम क्रिएट करते हैं ठीक है तो उसके साथ डील कौन करेगा स्वतंत्र रहेगा हम करेंगे ठीक है अब वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे करना है
ठीक है ना, तो ये चीज है अपने दिमाग को समझाना। मैंने कहा ना खेलना अपने दिमाग के साथ, वो हमारे साथ खेलता है नहीं, पर अपने को खेलना है। ये की जा जाती है, मैंने पहले कहा कि जब आपके मेज के आगे दो लग जाता है तब आपको खेलना शुरू करना चाहिए दिमाग के साथ, दो से पहले पहले दिमाग हमारे साथ खेलता है, स्पेशली 30 से लेकर 28 ये 7 साल होते हैं हमारे दिमाग हमारे ऐसी कैसी कर देता है, इसी चीज से फोकस नहीं करते हमारे डिस्ट्रैक्शन हर साल हर साल कि वो एक दिन होता है 7 साल का पैन होता है, इसमें आप अपने आप को पहचान रहे होते हो। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जब आप एक बच्चे की उम्र 1 से 10 साल होते हैं तो अपने आस पास के लोग आस पास की चीजों को लोग पहचानते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो 12 साल 13 साल तक अच्छा हो जाता है कि वो लोग छोड़ के अपने आप को पहचानता है कि मेरी क्या पहचान है, उसको 7 साल 8 साल लग जाते हैं किसी को जिंदगी लग जाती है और अपने आप पहचानेगा वो एक्चुअल में क्या है। ठीक है ना, तो ये पहचानना है। और जब भी मैंने कहा कि मैं जाके दो लड़के आज उतना टाइम नहीं आपके पास, मैं कह के तो लगा तो अपना टाइम है, मैं कह के तो लगते ऐसे मेरे कुछ कर रहे हैं 10 साल का टाइम पास और उसमें साल कहाँ पे उस समय मुझे नहीं पता। ठीक है ना, मेरे पास कुछ टाइम और है कि मैं कुछ और सक्सेस कर सकूँ। ठीक है ना, कुछ और चीजें कर सकूँ अपनी जिंदगी में। ठीक है, ये टाइम है 10 साल 10 साल के बाद शादी जाए उसके बाद आए टाइम, उसके बाद आप एक जॉब अप्लाई करोगे 9 to 5 9 to 5 9 to 5 जिंदगी एक बार में क्या है कुछ और करोगे इससे ज़्यादा शादी करके अपना हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली बात करूँ कि अगर आपकी फैमिली अच्छी है, आपका हस्बैंड आपका बहुत सपोर्टिव है, या आपके जो जो आपके फादर इन लॉ है या मदर इन लॉ है वो बहुत सपोर्टिव है तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी लिमिटेशन वहाँ रहेगी ना। लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको बहुत सारा सा आपकी सारी फैमिली हॉस्पिटल नहीं आ सकता है। ठीक है ना, एक ना एक तो निकल जाएगा, सास निकल गई या ससुर निकल गया आप कर सकते हो। आपके पास क्या है कि उस 30 के बाद भी कुछ चांस बाकी रहते हैं, आप कर सकते हो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? ठीक है ना,